एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं तू आप लोगों का दोस्त। दोस्तों माइक नहीं है, थोड़ा सा चला लीजिएगा ठीक है, क्योंकि बैटरी थोड़ी सी कम हो गई है। तो हम आए अजय भाई के यहाँ। अजय भाई पेट गुरु में आपका स्वागत है। अजय भाई कितने साल से बर्ड पाल रहे हैं आप? तकरीबन छह सात साल से, मतलब बचपन में कोई कुछ पाला था, कबूतर वगैरह ऐसा? हाँ, कबूतर। अच्छा, उड़ान वाले कबूतर? हाँ, उड़ान वाले। और अभी अपने पास क्या है? अभी बस ये बजरी से होमो है, नॉर्मल में ये पेलो है, रेमो बजरी से और कोकटेल है। ठीक है, तो काफी वेरायटी दोस्तों इनके पास देखने को मिलेगी। और राजकोट की एक खास बात है, जैसे अहमदाबाद में होगोरोमो बजीज नहीं मिलते, मैंने बड़ी मुश्किल से बापू के पास से बरोड़ा से ढूंढे थे, तो होगोरोमो बजीज के लिए मैं जहां भी सेटअप पे जा रहा हूँ मिल रहे हैं। आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर खरीदना चाहते हैं, या कुछ भी आपको कांटेक्ट चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। तो अजय भाई शुरू करेंगे आज का एपिसोड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। रेमबो की इनके पास पेयर है, इम्पोर्ट लाइन के हॉलैंड बजीज हैं। होगोरोमो बजीज में भी काफ़ी वेराइटी है, आल्बिनो है, स्पेंगल में है, वाइल्ड कलर में है, और स्पेंगल में बजीज हैं इनके पास। क्रेस्टेड फिंचिस भी हैं, अगर ब्रीड है कि नहीं है वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर भी अच्छे कलर रेमबो में ही है। ओके, और यहाँ पर हॉलैंड बजीज हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लवबर्ड है, राइट? नहीं, कोकाटेल है। कोकाटेल यहाँ पर है, देखते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और यहाँ पर फ्री फ्लाई केज में कुछ कोकाटेल रखे गए। एक नंबर दोस्तों कलर है, मुझे खास करके वो कलर बड़ा अच्छा लगा। ये कुछ बटरफ्लाई जैसा इसका कलर है, बटरफ्लाई नहीं है लेकिन बटरफ्लाई जैसा इसका कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक बाई वन बाई वन चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने दौड़का की सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे कलर में रेमबो बजीज देखे थे, अब यहाँ पर भी रेमबो बजीज देखने को मिले हैं बहुत खूबसूरत कलर में। तीन बच्चे हैं। तो अजय भाई कुछ सेल के लिए पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, अपने पास है? नहीं सॉरी, इसमें सेल के लिए नहीं, रेमबो में नहीं, पर अपने सेटअप पे कुछ सेल के लिए है? इम्पोर्ट लाइन में बजरी से, और बता दीजिए तो वो पहले देख लेते अपने। ये तीन पेयर है, तीन पेयर इम्पोर्ट लाइन की बजरीज है। ठीक है दोस्तों, नजदीक से दिखा दो, रेट क्या रहेगा अजय भाई? तो 6000 रुपए दोस्तों पेयर का रहेगा, इम्पोर्ट लाइन के हैं इसलिए दोस्तों। ठीक है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में अजय भाई का दे दूंगा। तो उसका क्रेस्ट देख सकते हैं, क्रेस्ट पे एक डिजाइन बनी हुई होती है दोस्तों, छोटे छोटे से इनके फेदर्स प्लक किए हुए हैं। दोस्तों जिस किसी को खरीदना है कॉन्टेक्ट आप अजय भाई को कर सकते हैं। अजय भाई डिलीवरी हो जाएगी बाहर? Yes. बाहर डिलीवरी हो जाएगी। वैसे भी राजकोट से दोस्तों कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी है, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बस वगैरह मिल जाती है यहाँ पर। दोस्तों ये होगोरोमो की पेयर भी सेल के लिए है। तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने से पहले सेल इसलिए मैं कवर करता हूँ कि आप लोग पूरा एपिसोड देखे ना देखे आई डोंट नो, लेकिन जो सेल के लिए एपिसोड देख रहे हैं तो उनका काम जरूर हो जाए। तो होगोरोमो की पेयर भी देख रहे हैं आप? ठीक है, मैं देखिए। तो चलिए दोस्तों होगोरोमो की प्राइस क्या रहेगी अजय भाई? 5000 रुपये 5000 रुपीज पेयर दोस्तों। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर चलिए स्पेंगल देखते हैं, इसमें है प्रोग्रेस है? हाँ, उसमें फेलो का पेयर है। हाँ, अच्छा 7 चिक्स निकले हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं तो म्यूट्रिएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने इसको स्पेंगल कहा, इन्होंने कहा फेलो। तो फेलो और स्पेंगल में अजय भाई क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली? ये होता है ना, वो रेड आई में आता है। अच्छा, ये फेलो, उसको फेलो बोलते हैं। और वो जो स्पेंगल होता है ना, वो ब्लैक आई होता है और व्हाइट भी होता है। ठीक है, इसलिए मार्किंग भी ऐसा नहीं होता उसका। ओके, इसलिए तो मार्किंग के ऊपर से दोस्तों डिसाइड किया जाता है, मार्किंग और आई के ऊपर से। ओके, रेड आई है दोस्तों, आप देख सकते हैं रेड आई में है। दोस्तों जिस किसी को भी सेटअप बनाना है देख सकते हो आप लोग, स्लोटेड एंगल को काफी अच्छे से कलर किया गया है, चाहे काफी अच्छी डिजाइन में लगाया गया है। तो ये चाइना केजेस लगाने से सेटअप की खूबसूरती जो है दोस्तों चार चांद लग जाते हैं। कुछ इसी तरीके से मैं सेटअप अपने घर पे भी बनाने वाला हूँ, तो उसकी भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। यहाँ पर होगोरोमो की पेयर्स भी देखते हैं, बहुत खूबसूरत कलर है इनके पास जी। अजय भाई ये वो कलर कौन सा है? वो येलो फेस में स्पेंगल है। येलो फेस में स्पेंगल का है। ओके, है इसमें प्रोग्रेस है? हाँ, इसमें से 5 चिक्स है, तो 3 तो बाहर ही है, देख सकते हैं।
तीन दोस्तों बाहर आ गए हैं, दो अंदर हैं बॉक्स में। अब दोस्तों मेरी फेवरेट आल्बिनो में होगोरोमो देखे रहे। तो राजकोट आके सही में दोस्तों बजलीस के म्यूटेशन में राजकोट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो मज़ा आया यहाँ देख करके, कोई जो है जो छोटे बर्ड्स में भी यहाँ काम हो रहा है और माशाल्लाह यहाँ पर भी प्रोग्रेस है, चार बच्चे हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि होगोरोमो की ब्रीड में बच्चे ज़्यादा नहीं होते, दो होते हैं, तीन होते हैं। तो मैंने धोड़का की सीरीज़ में भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ चार बच्चे हैं और जनरली चार पांच बच्चे आराम से निकल जाते हैं। और महंगे म्यूटेशन है तो आपका जो पैसा जो रिकवर होना होता है ना वो दोस्तों जल्दी हो जाता है। भले 5,000-7,000 की आप पेयर लेंगे लेकिन चार बच्चे निकलेंगे तो आपके 8,000-10,000 रुपये ऐसे ही कवर हो जाएंगे। दोस्तों शानदार माशाल्लाह ब्रीडिंग है। अब चलिए फूड के ऊपर देख लेते हैं। देखिए फूड में जय खिला रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स है और दूसरा कोई काला सा दाना है, वो सुम दूसरा क्या मिला है इसमें? वो तो मिक्स सीड आता ना, वही है। अच्छा मिक्स सीड है, ओके तैयार है, ओके। और भीगा हुआ अनाज देते हैं, है ना, सुबह भीगे हुए अनाज में दोस्तों गेहूं चना है और मूंग है, ठीक है, ये सब आप दे सकते हैं सुबह भिगोगे। ये रोज डेली अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। और हर बॉक्स में दोस्तों कटल फिश बोन है, वो भी आपको जरूरी रखना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर है। और दोस्तों माशाल्लाह ये राजकोट में मुझे देख के लगा, अच्छा लगा। देखिए यहाँ पांच बच्चे हैं, बुरी नजर से ऊपर वाला बच्चा है इनको, दोस्तों छह बच्चे हैं, जबरदस्त। यहाँ पर भी एक बच्चा है इसलिए, ठीक है, जबरदस्त यार। मैंने तो नॉर्मल बजीज में भी छह छह बच्चे देखे हैं, वैसे देखने को मिल जाते हैं लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये होगोरोमो में दिख रहे हैं। स्पेंगल में अब दोस्तों देख रहे हैं, स्पेंगल और अल्बिनो लगाया है इन्होंने, इसमें भी माशाल्लाह प्रोग्रेस। ऐसी प्रोग्रेस आप लोगों ने दोस्तों पेट गुरु के अलावा आपको नहीं देखने को मिलेगी और ये पॉसिबल हो रहा है राजकोट कम्युनिटी की वजह से। राजकोट के जो बर्ड ब्रीडर हैं उनको मानना पड़ेगा कि अच्छी ब्रीड करवा रहे हैं ये। ये बच्चे जिसके देखे दोस्तों आपने, ये उसके मेल फीमेल है। हमने पिछला वीडियो भी बनाया था, साकेत भाई का सेटअप भी कवर किया था, वो भी होगोरोमो का था, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसमें कुछ हमने अलग क्वेश्चन कवर किए थे। होगोरोमो के बाद जो है कोकाटेल सेटअप, ये राजकोट में पहला कोकाटेल हम देखेंगे राजकोट सीरीज के अंदर, बिकॉज दोनों ही प्रीवियस दोनों एपिसोड में हमने सनकनूर अफ्रीकन ग्रे होगोरोमो और हॉलैंड बजीज देखे लेकिन कोकाटेल नहीं देखने को मिला। लवबर्ड भी देखे पहले एपिसोड में। तो जी अजय भाई चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या है अजय भाई? इसमें अल्बिनो का पेयर है। अल्बिनो का पेयर है, चलिए ब्रीड है कि नहीं दोस्तों चेक करते हैं। और दोस्तों डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा सा भड़क रही है इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम इनको, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों अल्बिनो की पेयर देख रहे हैं, जिसको हमने ब्रीडिंग बॉक्स में झांकने की ट्राई की लेकिन थोड़ा सा ये लोग घबरा रहे थे। यहाँ दोस्तों ल्यूटिनो और फोन की पेयर है, फोन की। दोस्तों अंडे हैं यहाँ पर, नहीं परेशान करेंगे, अंडे पे बैठे खामा खा क्यों इनको ब्रीडिंग को छेड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अंडे हैं तो अंडे अब देखने में अंडे जैसे ये लेमन वो लाइम कलर मेल है, वो लुटिनो पल का फीमेल है और उसके साथ में ये फन पाइट का मेल है। अच्छा लुटिनो पल का लुटिनो पल है, हाँ लुटिनो पल का फीमेल है। बहुत खूबसूरत कलर है दोस्तों, ऊपर येलो छांट है। यहाँ पर एक चीज दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने ब्रीडिंग सेटअप में आप लोग टेम्परेचर क्लॉक लगाइए। टेम्परेचर क्लॉक उस कौन से बर्ड को कितनी ह्यूमिडिटी और कितना टेम्परेचर चाहिए खास करके वो मेंटेन रखे, गर्मी हो या सर्दी हो, उसको आप मेंटेन रखेंगे तो अच्छी ब्रीड होगी और आपका बर्ड भी जो है वो हेल्दी और फिटफाट रहेगा। एक और पेयर दिखा रहे हैं अजय भाई,
ठीक है, ये है पाइड, व्हाइट पाइड है, व्हाइट फेस में पाइड का मेल है और पल की फीमेल है। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ट्राई कर रहे हैं, बच्चे हैं दोस्तों इसके नीचे, बहुत खूबसूरत। अब इसको परेशान नहीं करेंगे हम, तो माशाल्लाह ब्रीडिंग है, आप देख सकते हैं अंडे बच्चे सब में है। यहाँ पर एक और है पाइड में, पाइड है ये या वाइट फेस है? वो अल्बिनो का मेल है, हाँ। और वाइट फेस पाइड में भी मेल है। ओके, और देखिए परिंदों के लिए दोस्तों अनाज चने वने भिगो के ही रखे हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है कि बर्ड के लिए केयर कर रहे हैं, और भिगे हर रोज दूसरे दिन का प्लानिंग पहले दिन होता रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब ख़त्म करने से पहले फ्लाइंग मोड में कुछ अच्छे अच्छे कलर और अच्छे अच्छे बजीज है वो देख लेते हैं, ठीक है। हॉलैंड बजीज के माशाल्लाह साइज बहुत अच्छी है, देख लेते हैं नज़दीक से। दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी में ऑल ऑप्शन दबा दीजिए। देखिए इन्होंने खिलौना भी लटकाया हुआ है जिसके लिए बार बार अज्जू भाई आपको याद दिलाते हैं, ठीक है। क्वार्टेल देख लिए, लेकिन घर के थोड़े से चिक्स देख लेते हैं, इनके घर की खुद की ये फसल आप कह सकते हैं या ब्रीड कह सकते हैं, ठीक है। और घर की ब्रीड का मजा ही अलग है, बाहर से जो लेके आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन घर की जो ब्रीड होती है ना दोस्तों उसका मजा ही अलग है। बहुत अच्छे कलर्स इनके पास है दोस्तों, ये कुछ कुछ बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है लेकिन बटरफ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई का तो बिल्कुल वी शेप होता है और उस तरीके से होता है, लेकिन बहुत अच्छा कलर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अजय भाई के सेटअप के बाद हम जा रहे हैं एके सोनी बर्ड ब्रीडिंग सेटअप पर, ये भी बजीस के म्यूटेशन पर खास करके काम कर रहे हैं, और हमारे साथ कल्पेश भाई हैं, इनके भाई का नाम अल्पेश भाई है, इनके ऊपर से नाम है एके सोनी। तो वहां पर जाकर हम बहुत कुछ बजीज वगैरह देखने वाले, ऑन द वे हैं, बस उनके घर की तरफ जा रहे हैं।